गर्मी ने दोबारा दस्तक फिर देना शुरू कर दिया है। इस वक्त की हम बात करें कि जो आम जनता है उसको किस तरीके से है, और जो फीवर है ये वायरल के बीच शिकायतें भी है, छोटे बच्चे हैं और या बड़े हों, ऐसे भी देख सकते हैं हॉस्पिटलों में कई तरीके से मरीजों की तादाद बढ़ने शुरू हो जाती, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो वैसे ही फीवर के सीजन शुरू हो जाते हैं। डॉक्टरों की बात कहें तो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट, इन पे भीड़ लगना शुरू हो जाती है। तो आज हम कांसीराम में डॉक्टर साहब से सुदेश गुप्ता हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके से है जब मौसम का बदलाव होता है, इसमें किस तरीके से बचाव होना चाहिए, किस तरीके से क्या तरीके होने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, देखिए, मौसम इस बार बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अभी करीब 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो जिससे लू का प्रकोप शुरू हो गया था। तो हमारे यहाँ भी मरीज आ रहे थे हीट स्ट्रोक के और हीट वेव के, जैसे कि ऊपर से निर्देश आए थे, तो हम लोगों ने हीट स्ट्रोक और हीट वेव का वार्ड हमने बना दिया है, जिसमें कि कूलर और सब तरह की व्यवस्था, IV फ्लूड और आइस पैक, ये हमारी व्यवस्था है वार्ड में। और इमरजेंसी में भी हमने आइस पैक जो है रखवा दिए हैं हीट वेव के जो मरीज आएंगे उनके लिए, और IV फ्लूड और एंटीबायोटिक और अन्य तरह की दवाएं भी हमने प्रचुर अच्छा, मात्रा आइस में। पैक के कितने मरीज आए हुए हैं उनको जानकारी। आइस पैक हमें परसों एक मरीज आया था हीट स्ट्रोक का, तो उसको हम लोगों ने आइस पैक लगाया था, और आइस पैक जो है ये हमने और जमा के भी रखे हुए हैं, वो हमें प्रचुर मात्रा अच्छा में डॉक्टर उपलब्ध साहब, है। इससे लोगों को जो मरीज होते हैं इनसे किस तरीके से बचाव होना चाहिए, इसके क्या तरीके होते हैं बचाव के लिए, कोई ये नई चीज़ है। देखिए, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो सिर पर कपड़ा वगैरह बांध करके वो और अच्छे से जो है सड़कों पे निकलें, और धूप ज़्यादा रहती है जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो दोपहर के टाइम अवॉइड करें, सुबह या शाम को अपना कार्य कर लें, ये घर से पानी यानी पी के चलें। ये अच्छा, जैसे कि 2 दिन पहले अभी देख रहे हैं 24 घंटे कानपुर में बारिश हुई और मौसम ने अचानक बदलाव दिया, आज जब बारिश बिल्कुल ठप हुई तो लोगों में एक अलग ही गर्मी देखने को मिल रहा है, इससे क्या मरीज जो आम जनता है इस पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, जो मरीज हैं क्या किस तरीके से। हाँ, मरीजों पे इस पे जब मौसम परिवर्तित होता है गर्मी से सर्दी और जो है बारिश है, तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है जिससे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वायरस भी ग्रो करते हैं, जिससे कि पेट की बीमारी हो सकती है, डिहाइड्रेशन, डायरिया, बुखार का आना, वायरल फीवर आना, ये बहुत बढ़ जाता है। तो इससे क्या बचाव के लिए किस तरीके से बचाव करना चाहिए इंसान को। इससे बचाव के लिए ये है कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, लोग जो है बाहर का आम आम का जो है वो रस पी रहे हैं और ये पी रहे हैं, आपको पन्ना पी रहे हैं, इसमें भी इन्फेक्शन होता है। बर्फ़ जो है डालते हैं गन्ने के रस में, बर्फ़ में बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो बाहर की चीज़ें जो है खाने पीने से बचना चाहिए। जैसे कि हमारे ये काशीराम के डॉक्टर सुदेश गुप्ता हैं, ये CSC इंचार्ज भी हैं, और भी हम जानते हैं किस तरीके से लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, और भी हमारे साथ हॉस्पिटल में ही डॉक्टर हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जबकि ये माने जाने विख्यात एक डॉक्टर हैं डॉक्टर पीयूष मिश्रा, इनसे भी जानते हैं किस तरीके से वायरल है। डॉक्टर साहब, ये जो अभी देख रहे हैं 2 दिन पहले मौसम ने अचानक से बदलाव किया था, अब वही फिर गर्मी का मौसम आ गया, किस तरीके से। नहीं, ये मौसम का सडन परिवर्तन हो रहा है, तो इस समय हमारे पास हीट स्ट्रोक के पेशेंट नेचुरली कम हो गए टेम्परेचर कम होने की वजह से, लेकिन कुछ पेशेंट जो जो मौसम के परिवर्तन से जैसे फीवर के, वायरल फीवर के और डायरिया के पेशेंट बढ़ गए हैं, तो खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना है, बाहर की चीज़ें खानी नहीं है, खुले कोई फल वगैरह नहीं खाने, बाहर की कोई किसी प्रकार की अच्छा, चीज़ डायरिया नहीं। के कितने अपने यहाँ पेशेंट कुछ आए होंगे, कुछ आइडिया होगा डायरिया। आज हमने 3 पेशेंट एडमिट किए हैं आज। जी, तो इनको किस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। पूरा ट्रीटमेंट मिलता है, हमारे पास रिजर्व बेड है उनके पूरे, हम लोगों ने हीट स्ट्रोक का पूरा एक वार्ड रिजर्व कर रखा है। और हीट स्ट्रोक से किस तरीके से बचाव के लिए क्या है, कुछ मरीज जैसे आते हैं तो उनको किस तरीके से बचाव करना चाहिए। बचाव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मरीज प्रॉपर वे में पानी पिए, उसका हाइड्रेशन ठीक रहना चाहिए, पानी पिए, इलेक्ट्रॉल ले सकता हूँ, ORS पैकेट हमारे अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में वो ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं मिलता तो नींबू नमक की शिकंजी बना के पी ले, जिससे कि पानी और नमक की कमी ना होने पाए। और धूप से बहुत ज़्यादा लंबे समय में काम कर रहे हैं तो शरीर को ढक के रखें कपड़े वपड़े से, जिससे कि उस पर धूप डायरेक्ट ना लगे,
क्योंकि ज़्यादा हीट से उसका जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, उसका जो सेंसिंग होता है, उसकी एक थर्मोस्टेट जिसके कहते हैं, वो थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई फीवर, उस फीवर टाइप में प्रेजेंट करता है और शॉक में, उसको हम लोग बोलते हैं हीट स्ट्रोक। तो वो उससे बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पानी की मात्रा पर्याप्त लें, घर से निकलने पूर्व अच्छे से मात्रा में पानी लें, रास्ते में सफर ले में लें पानी लें, और खाने पीने का ध्यान रखें, खाली पेट ना निकले। जैसे कि बाहर से बहुत से अधिकतर ये होता है, बच्चों की बात करें या फीमेल की बात करें, तो गर्मी जब आती है तो लोग अधिकतर ठेले पे गोलगप्पे हों या बात कहें पना जो सिकंजी टाइप का है, ये सब पीते हैं। नहीं, बाहर की चीज़ों का उपयोग करना तो नितांत बिल्कुल ख़तरनाक है, और बिल्कुल भी हमारी तरफ से तो प्रशासन को भी कहेंगे कि इस पे पहले बीच में एक अभियान चला था कि खुले फल और ये सब खुली चीज़ें ना बिकें, बीच में वो अभियान थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वो बाहर की चीज़ों को तो मैं बिल्कुल मना करूँगा कि बिल्कुल कोई किसी प्रकार की चीज़ बाहर ना हो, और काफ़ी लंबे समय पर खुला हुआ खाना भी रखा हुआ विषाक्त हो जाता है। सुबह की शाम खाना जैसे बहुत लोग खा लेते हैं तो वो सब अवॉइड करें, बासी खाना ना खाएं। अच्छा, जैसे कि हमारे साथ जो डॉक्टर पीयूष मिश्रा थे और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानते हैं किस तरीके से आप लोग आए हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर साहब को दिखाने आए। सरिता यादव, क्या हो गया? हमारे ससुर जी एडमिट थे तो थोड़ी समस्या थी, इसलिए दोबारा बात करने आए सर से। आपको पेट में दर्द? अच्छा, पेट के लिए। तो आप, ये जैसे गर्मी चल रहा है, आपसे हुआ कि पहले से ही था? पहले से। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया है कि हर तरीके से यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं और यहीं पे अपने ट्रीटमेंट लोग आते हैं, जबकि सर गर्मी का जब मौसम आ जाता है तो ऐसे में बदलाव का काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, डायरिया है, ऐसे कई केसेस आते हैं जो कि सामने देखे जाते हैं। मेरे साथ देख सकते हैं जिस तरीके से भीड़ है, और यहाँ ओटी पे है जो डॉक्टर साहब पीयूष मिश्रा की ओटी है, इस ओटी पे लोग अपनी सुबह लाइन लगा के अब यहाँ से आराम से दिखाते हैं और इसके बाद अपने घरों पे जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ सुनील कुमार, जेके न्यूज़, कानपुर।